चलिए जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से बड़ी खबर निकल के सामने आई है। आयोग ने एक जो है प्रेस रिलीज जारी की है। तो पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं 29 जनवरी 2024 की ये प्रेस नोट है, यहाँ पर संबंधित विषय लिखा हुआ है कर्मशाला अनुदेशक भर्ती के संबंध में। मामला क्या है कि सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो का आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कर्मशाला भर्ती में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र लगाए गए, जिनकी शिकायत आयोग से की गई, परंतु आयोग द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आयोग स्पष्ट कर देना चाहता है कि उपरोक्त तथ्य सत्यता से परे है और इस मामले से संबंधित तथ्यों को सामने रखना चाहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोग ने जो है यहाँ पर अलग अलग जो है पॉइंट्स रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट्स आयोग ने रखा है कि जब यह तथ्य आयोग के संज्ञान में आया कि कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र लगाए गए, तो माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशों के क्रम में इन प्रमाण पत्रों की जांच राज्य अभिसूचना इकाई से कराई गई एवं आयोग स्तर पर एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया। उक्त दोनों कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सही नहीं पाए गए, उन्हें परिणाम सूची से बाहर कर दिया गया और नया परिणाम जारी किया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं जो पहला आरोप लगाया गया था आयोग के ऊपर कि वो अभ्यर्थियों की जांच नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आयोग ने साफ साफ लिखा हुआ है कि आयोग के अध्यक्ष साहब ने यहाँ पर जांच करवाई और जिन अभ्यर्थियों के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनमें गलत पाए गए, ठीक है, उनको जो है परिणाम सूची से बाहर किया गया और नई जो यहाँ पर लिस्ट निकाली गई। चलिए, अगला जो आयोग ने स्पष्टीकरण दिया उसमें लिखा है कि संशोधित परिणाम भी कुछ अभ्यर्थियों के खिलाफ शिकायतें आयोग को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई। उक्त शिकायतों का आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया और इसके आधार पर 14 अभ्यर्थियों का परिणाम रोककर उनके प्रमाण पत्रों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ, जिसमें आयोग के अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा एवं उद्योग विभाग के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। आयोग का मत इस बार स्थिर है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए उनके परिणाम को रोकना तथा उनके साथ अन्याय होगा, इसीलिए ऐसे अभ्यर्थियों को संस्तुति विभाग को भेजी जा चुकी है। जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई उनका परिणाम जाँच पूरी होने तक रोका गया। यानी कि दूसरा पॉइंट आयोग ने ये दिया है कि जब रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ उसके बाद भी करीब 14 अभ्यर्थियों के खिलाफ कई अलग अलग विभिन्न सोर्सों से खबर आई कि इनके डॉक्यूमेंट ऐसे हैं वैसे हैं। आयोग ने 3 समिति जांच के गठन की, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या तमाम जो उनके खिलाफ लगे हैं आरोप उनकी वो जांच करे, लेकिन जो अन्य अभ्यर्थी जो पाक साफ हैं उनको क्यों रोका जाए इसके लिए, तो उन अभ्यर्थियों को रोककर 14 अभ्यर्थियों के अतिरिक्त जितने भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे उनकी संस्तुति विभागों को यहाँ पर आयोग ने भेज दिए। आगे आयोग ने लिखा है कि यह स्पष्ट करना कि आयोग के द्वारा प्रेषित की गई संस्तुति के पश्चात भी नियोक्ता विभाग द्वारा अपने स्तर पर प्रमाण पत्रों की जांच की जाती है। बिल्कुल ये सही बात है, एक DB तो आपकी आयोग में होती है, यानी कि एक तो SSSC करता है, उसके अलावा जब आप किसी विभाग में ज्वाइनिंग करते हैं तो जो संबंधित आपका डिपार्टमेंट होता है वो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच करता है। दो बार आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चूँकि विभाग के पास इन कार्यों के का बृहद अनुभव एवं संसाधन है, उक्त जांच के पश्चात ही किसी भी अभ्यर्थी का वेतन अंतिम माना जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए हम आयोग से, क्योंकि आयोग के पास उतनी मैन पावर नहीं होती है या उतने संसाधन नहीं होते हैं जिसकी वजह से वो परफेक्ट जांच करें, लेकिन विभाग के पास सारी चीज़ों का अनुभव और सब कुछ होता है। अगर वहाँ से उस व्यक्ति में किसी भी कमी पाई जाती है या किसी भी धोखाधड़ी का आरोप होता है तब वहाँ से अभ्यर्थी जो है निरस्त कर दिया जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षाओं में शुचिता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए अभ्यर्थियों से अपील है कि भ्रामक तथ्यों पर विचार न करें। सुरेंद्र सिंह रावत, आप देख सकते हैं सचिव उत्तराखंड। तो इसको लेकर एक आयोग ने प्रेस रिलीज जारी की है। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।